हेलो दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी ग्राफ्टिंग पर कि मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको इस तरह की फ्रेम बनानी है जिसके कि इस तरह से खुल भी सके, और ये देखिए, और आपको ये पीस काट कट कर लेने हैं किसी भी फट्टी से। और ये मैंने यहाँ पर मोम पिघलने के लिए डाल दिया है, और मैं यहाँ से मोम उठा के इन फट्टियों पर लगाऊंगा जिससे कि ये इन्हें मैं चिपका सकूं इन टुकड़ों को, ताकि जिस टाइम क्वीन सेल तैयार हो जाए तो हम इससे ही डायरेक्ट यहाँ से काट कर बक्से में दे सकते हैं। आप भी इसी तरह इनको चिपका लीजिए। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर चिपका लिए हैं, और अब हम इनके लिए कप तैयार करेंगे जिसे आप किसी कोई भी आप लकड़ी ले सकते हैं, और इस तरह मोम में डिप करिए 3 बार, 2 और 3री बार। अब आप तुरंत इसे हाथ से निकाल लीजिए, और इस तरह से ये आपका क्वीन कप तैयार हो गया है। और इस तरह से जैसे कि मैंने यहाँ निकाल लिए हैं, और अब हम इन्हें भी मोम से इन पट्टियों के ऊपर चिपकाएंगे जैसे कि मैंने चिपकाए हुए हैं। आप भी इन तरह चिपकाइए, और बाद में हम इनको इस फ्रेम में इस तरह सेट करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और इस तरह से हम इस फ्रेम को फिर पहले हम इनमें ग्राफ्टिंग करेंगे। तो अब हम अपने किसी शांत स्वभाव, जो शांत कॉलोनी वाला बॉक्स है, उससे हम क्वीन सेल उठाएंगे जो क्वीन ने ताज़ा, यहाँ पर आपने 3 दिन का लार्वा उठाना है जो 2 या 3 दिन का हो। आपके पास ग्राफ्टिंग नीडल है तो उससे उठा सकते हैं, नहीं तो आप या किसी तिल्ली की सहायता से भी आप इसे उठा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जिससे आप उठा रहे हैं वो चीज़ थोड़ी मुलायम रहे आगे से। जैसे कि मैंने उठा लिए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने इन कप के अंदर वो लार्वा डाल दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह हम दोनों वाली फ्रेमों में डाल देंगे, और फाइनली हमने ये डाल दिए हैं, और मैंने फ्रेम में भी सेट कर लिए हैं ये फ्रेमें। और अब मैं इनको इस बक्से में दूंगा। आप देख सकते हैं इस बक्से में क्या स्ट्रेंथ है, काफ़ी अच्छा वर्क हो रहा है इसमें, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है। ध्यान रहे जब आपने इस कॉलोनी में डालना है, आपने 1 दिन पहले ही इस बक्से को क्वीनलेस कर देना है। हमने 1 दिन पहले इस बक्से को क्वीनलेस कर लिया था, तो ये देख सकते हैं आप इसमें कितने ड्रोन सेल भी उठ चुके हैं। ये देखिए, और अब मैं इस फ्रेम को यहाँ सेंटर में डालूँगा। इस फ्रेम को अब मैं इस जगह पर डालूँगा जो हमने, जिस फ्रेम में हमने ग्राफ्टिंग की हुई है। बस आप यहाँ धीरे धीरे से इसे डाल दें, ध्यान रहे मक्खियाँ प्रेस ना हो। और बस अब हम इस बक्से को बंद कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।